Gandhi had four protected interviews with Lieutenant Governor who, as result, appointed an official commission of inquiry into the Indigo sharecroppers situation. Gandhi ji ne Lieutenant Governor ke saath चार विस्तार पूर्वक बातचीत के इंटरव्यू किए, आपस में उन्होंने बातचीत की चार बार, क्योंकि नतीजा ये हुआ कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, बटाईदार काश्तकारों की दशा जानने के लिए सरकारी आयोग बना दिया, क्योंकि जो इंटरव्यू गांधी जी के साथ उनके हुए, उसके परिणाम स्वरूप जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने एक आयोग बनाया, जो उस आयोग का काम था जो बटाईदार किसान है उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम है, कैसे शुरू हुई और कैसे उनको इस चीज़ से निजात मिलेगी, इसके लिए एक सरकारी आयोग बना दिया गया. द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीजेंट्स. और उसमें जो सरकारी आयोग बनाया गया उसमें जमींदार सरकारी अधिकारी सम्मिलित थे और गांधी जी काश्तकारों के एकमात्र सच्चे प्रतिनिधि थे. गांधी रिमेंड इन चंपारण फॉर इनिशियल इंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स. और इस दौरान जो चंपारण आंदोलन था इसमें गांधी जी लगातार 7 महीने तक वहीं पे स्टे उन्होंने किया. इस आंदोलन के लिए इसकी पूरी रूपरेखा लगातार बिना रुके वहाँ पर वो रहे और उसके बाद भी बीच बीच में छोटी छोटी विजिट पर वो जाते रहे चंपारण में. द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द entreaty of and unlettered peasants in the expectations that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life. Means इस विजिट्स में means एक ऐसे किसान जो राजकुमार शुक्ला थे वो खुद एक अनपढ़ थे लेकिन उनके अंदर वो काफ़ी रेजोल्यूट थे और उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट की आप आएँ और हमारी दशा को सुधारने में हमारी मदद करें. और एक ऐसे किसान के ऊपर विश्वास करने के गांधी जी का लगभग एक साल अपने जीवन का एक साल गांधी जी ने चंपारण आंदोलन को दिया, क्योंकि गांधी जी को इस आंदोलन में जाने के बाद एक साल लग गया वहाँ से निकलने में और बीच बीच में वो चंपारण जाते रहे ताकि जो किसान हैं उनकी जो हालात सुधरे हैं वो कितने सुधरे हैं और अब जो किसान है वो कैसे जी रहे हैं ये जानने के लिए भी लगभग गांधी जी ने अपने जीवन का एक साल वहाँ पर दे दिया. The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principles to make refunds to peasants. But how much must we pay? They asked Gandhi. और जो सरकारी जांच पड़ताल के बाद जो जमींदार हैं उनके विरुद्ध जो भी प्रमाण पत्रों का पहाड़ इकट्ठा किया गया, जो भी एविडेंस उनके खिलाफ आए, तो उन्होंने देखा कि ये सैद्धांतिक रूप से ठीक है. जो काश्तकार है वो अपना धन वापिस लेना चाहते हैं और वो देने के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन कितना धन उन्हें देना पड़ेगा, कितना उन्हें हर्जाना देना पड़ेगा, इसके बाद अब इस बात का क्वेश्चन बन गया कि वो कितना दें. तो इस बात के लिए उन्होंने गांधी से पूछा कि वो उसे कितना धन वापिस करे. दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन ए फुल ऑफ मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटोर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स. मीन्स जो पैसा उन्होंने गलत तरीके से धोखे से ऐठा हुआ है उन शेयर क्रॉपर से. ही आस्ट ओनली 50% और उन्होंने कहा कि 50% के आसपास होना चाहिए. देर ही सीम्ड एडामेंट और वहाँ पर वो जिद पे आ गए. एडामेंट का मतलब होता स्टूडेंट्स जिद्दी. राइट्स रिवर्ड्स जे जी हॉज ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज. और ये अंग्रेज अधिकारी थे जो कि चंपारण के अंग्रेज मिशनरी अधिकारी थे रेवर्ड जे हेज हॉज और इन्होंने पूरी घटनाक्रम को अपने बिल्कुल काफ़ी नज़दीक से देखा था क्योंकि ये अंग्रेज मिशनरी अधिकारी थे. थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25% एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी took him at his word, thus breaking the deadlock. और जैसे उन्होंने कहा कि वो कहेंगे कि हम तो 25% धन वापस करने का प्रस्ताव रखते हैं और जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने 25% के लिए रखा कि हम 25% पैसा वापस देंगे. और इस बात को लेकर काफ़ी हैरान हुई कि गांधी ने उनकी बात मान ली और बिना किसी झिझक के गांधी जी ने ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया.
और जो गतिरोध था आपस में भेदभाव था वो यहाँ पे समाप्त हो गया। दिस सेटलमेंट वॉज अडोप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड हैड बीन ऑब्लाइज टू सरेंडर पार्ट ऑफ मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। गांधी जी के अनुसार जो पैसा दिया गया 25% का जो अमाउंट उन्होंने पेशकश की कि हम देंगे, तो गांधी जी के मुताबिक पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट हमारा मान सम्मान है, हमारे अंदर जो आत्मविश्वास आया है अंग्रेजों के प्रति, हम अपनी बात कहने लगे हैं अंग्रेजों को, उनका विरोध करने लगे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ना कि पैसा। पैसा तो कभी भी आ सकता है, लेकिन आत्मविश्वास इंसान के अंदर पैदा होने में वक्त लगता है। तो गांधी जी ने उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा किया। गांधी ने कहा कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे अंदर विरोध की भावना, आत्मसम्मान, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न्ड द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबो द लॉ। और जो ऐसा होने के बाद उन दिनों में जो जमींदार हैं वो ऐसा व्यवहार करने लगे कि वो कानून से भी ऊपर हैं, अपने आप को भगवान समझने लग गए थे। नाउ द पीजेंट्स सो दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स ही लर्न करेज। और अब जो किसानों ने देख लिया कि उनके अधिकार भी हैं, उनके समर्थक भी हैं, और अब उनमें साहस भी आ गया है, इसलिए जो प्लांटर्स थे उनका पैसा देने के लिए तैयार हो गए थे। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजिशन। और हालातों ने गांधी जी को उचित सिद्ध कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से गांधी जी ने यह लड़ाई लड़ी और आखिर दम तक उन्होंने अंग्रेज अधिकारी को झुका के और जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ें उठाई और अंत में जो किसानों को चंपारण के आंदोलन से विजय दिलाने में अपना पूरा जितना भरसक प्रयास हो सकता है गांधी जी ने उतना किया, और अंत में उन्होंने विजय प्राप्त भी की। तो हालातों ने गांधी जी को उचित सिद्ध किया। विद इन फ्यू ईयर्स ब्रिटिश प्लांटर्स अबैंडन्ड देयर स्टेट्स। और कुछ ही सालों बाद उन्हें जो जितने भी जागीरदार थे उन्होंने अपने किसानों को ज़मीन वापस दे दी और वो उन्होंने छोड़ दी। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड। और जो नील की बटाई खेती है वो समाप्त हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद ए लार्ज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सॉल्यूशन। बड़े राजनीतिक और आर्थिक समाधानों में गांधी जी कभी संतुष्ट नहीं होते थे। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण विलेजेस एंड वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीजिएटली। मीन्स वो कुछ ना कुछ करना चाहते थे। चंपारण के गांव में उन्होंने सांस्कृतिक सामाजिक पिछड़ापन देखा और इस संबंध में वो कुछ ना कुछ करना चाहते थे, उनकी हालात को सुधारना चाहते थे। अब जो गांधी जी ने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के साथ, अब वो लड़ाई लड़ रहे हैं अज्ञानता के साथ, और वहाँ पे जो हालात हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं चंपारण में, अब उनके बारे में गांधी जी अपना आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और उसके बारे में भी चंपारण में उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ तो किया ही, लेकिन साथ साथ जो चंपारण के जो निजी मुद्दे थे, शिक्षा स्वास्थ्य, उसके बारे में भी उन्होंने लोगों को जानकारी दी और उसका समाधान किया। नेक्स्ट सी, ही अपील्ड फॉर टीचर्स। और उन्होंने अपील की टीचर्स के लिए, किसे? महादेव देसाई, निरहरी पारिक एंड यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी एज डिसिप्लिन एंड देयर वाइव्स वॉलंटियर्स फॉर वर्क। मीन्स गांधी जी ने इस संबंध में कुछ करना चाहते थे, उन्होंने टीचरों से प्रार्थना की। दो युवक, महादेव देसाई, नरहरि परीख, और जो कुछ समय पहले गांधी जी के अनुयायी, उसके फॉलोवर बने थे, उनसे उन्होंने प्रार्थना की कि आप इन यहाँ के बच्चों को पढ़ाएं ताकि इनका जो हालात है वो सुधरे, और उनकी जो वाइफ हैं इस काम करने के लिए अपनी इच्छा से तैयार हो गई। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पुना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ लैंड। और भारत के दूसरे क्षेत्रों से, मुंबई से, पुना से और दूसरे पार्ट से भी वहाँ पे लोग आए और उन्होंने गांधी जी की मदद की। देवदास गांधीज यंगस्ट सन, जो देवदास है गांधी जी के यंगस्ट सन थे, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिस्टर गांधी। प्राइमरी स्कूल वर ओपन्ड इन 6 विलेजेज। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीननेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। मीन्स गांधी जी का सबसे छोटा बेटा देवदास और गांधी जी की बीवी आश्रम से आए, और उस चंपारण में आने के बाद उन्होंने
गांव में लगभग 6 पाठशालाएं खोली। कस्तूरबा बाई निजी स्वास्थ्य तथा सामाजिक स्वास्थ्य के संबंध में उनको सिखाया करती थी, उसके बारे में पढ़ाने लगी। हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल, और जब वहाँ पे कस्तूरबा बाई वहाँ पर आई तो जो उन्होंने देखा कि जो हेल्थ कंडीशन है वो काफ़ी मिजरेबल है, काफ़ी हालात ख़राब है यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड। गांधी गोट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ। गांधी जी ने एक ऐसे डॉक्टर को बुलाया जो अपनी इच्छा से, उन्होंने लगभग 6 महीने तक यहाँ पे काम किया अपनी इच्छा से, अपनी स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की। यहाँ पर 3 मेडिसिन्स फॉर अवेलेबल, और उस जमाने में, उस दौर में केवल 3 प्रकार की दवाइयाँ उस डॉक्टर के पास होती थी। क्या क्या थी वो दवाइयाँ, देखिए स्टूडेंट्स, कोस्टरॉइल, कोनिन एंड सल्फर, ऑमनीमेंट होता लेप। एवरीबॉडी हु शोड कोटी टंग वॉज गिवन ए डोज ऑफ कोस्टरॉइल, मीन्स जब भी कोई दिखाता कि उसकी जीभ के ऊपर मैल है या उसकी जीभ मैली है या उसे कोई प्रॉब्लम है तो उसे कोस्टरॉइल दिया जाता था। एवरीबॉडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनिन प्लस कोस्टरॉइल। एवरीबॉडी विद स्किन इक्यूपर्सन रिसीव्ड ऑमनीमेंट प्लस कोस्टरऑइल, मीन्स वहाँ की जो स्वास्थ्य स्थिति काफ़ी ख़राब थी, अगर कोई जीभ पर मैल होता तो उसे अरंडी का तेल की खुराक दी जाती थी, और जिस किसी को मलेरिया होता उसे कुनिन और अरंडी का तेल मिला के दिया जाता था, और शरीर पर फुंसिया जिसको भी हो जाती थी उसे मरहम और अरंडी का तेल मिलता था लगाने के लिए ताकि वो ठीक हो जाएं। गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वोमेंस क्लोथ्स, और गांधी ने नोटिस किया वहाँ पर जो महिलाएं आई हुई थी उनकी हालात को देख के, फिल्थी का मतलब होता फटेहाल या फिर बहुत अधिक बुरी स्थिति, तो उसको देख के गांधी जी थोड़े से अचंभित हुए कि जो भारतीय महिलाएं हैं उनके हालात काफ़ी ख़राब हैं। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट, और उन्होंने अपनी वाइफ कस्तूरबा गांधी को कहा कि आप उनसे बात करें और उनकी समस्या क्या है उसके बारे में मुझे बताएं। वन वोमेन टुक कस्तूरबा इन टू हर हैट एंड सेड, लुक देर इज़ नो बॉक्स और कपबोर्ड हेयर फॉर क्लॉथ्स, देखिए आप आइए हमारी झोपड़ी में, देखिए यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं है, किसी प्रकार की कोई अलमीरा नहीं है जिसमें हम अपने कपड़े रखें, हमारे पास एक ही साड़ी है जो मैंने पहन रखी है वही मेरी साड़ी है। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज ओनली वन आई हैव, ये मेरे पास एक ही साड़ी है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन आश्रम, चंपारण में रुके हुए गांधी जी काफ़ी समय हो चुका था और वहीं से उन्होंने अपने आश्रम पे भी दूरदृष्टि वहीं से रखनी शुरू कर दी थी। ही स्पेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और आश्रम में रहने वालों से वो बार बार लेख लिखते थे, बार बार उनसे पूछते थे कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है या फिर आश्रम में क्या चल रहा है, तो चंपारण में रहते हुए गांधी जी तार से उनसे जुड़े रहते थे। वंस ही रोड टू द रेजिडेंट्स दैट इट वॉज टाइम टू फिल द ओल्ड लेटरिन ट्रेंचिज एंड डिग न्यू वंस अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगेन टू स्मेल बैड, तो गांधी जी ने कहा कि अब समय आ चुका है जो पुरानी शौचालय हैं उनकी जो खाइयाँ हैं वो भर दें, क्योंकि वो भर जाएंगी अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो इनकी जगह आप नई बना लें ताकि पुरानी वालों से बदबू नहीं आने लगेगी, अगर आप नहीं बनाएंगे तो जो पुरानी लेटरिन है उनसे बदबू आनी शुरू हो जाएगी, इसलिए गांधी जी ने सलाह दी कि नई लेटरिन आप खोद लें। द चंपारण एपिसोड वॉज टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, वट आई डिड ही एक्सप्लेन्ड वॉज वेरी ऑर्डिनरी थिंग, आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, तो जो चंपारण एपिसोड है, चंपारण का जितना भी घटनाक्रम है वो गांधी जी की लाइफ को बदलने वाला एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। गांधी जी के लाइफ में जो चंपारण का आंदोलन है वो एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि गांधी जी का वहाँ पे म्यूज़ियम भी बनाया गया है चंपारण में, और इसके बाद वट ही एक्सप्लेन्ड वॉज ऑर्डिनरी थिंग्स आई डिक्लेयर दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, जो ब्रिटिश है वो मुझे किसी प्रकार का आदेश नहीं दे सकते क्योंकि ये मेरा देश है, मेरा वतन है, और मेरे देश में कोई भी अंग्रेज अधिकारी मुझे आदेश नहीं दे सकता, गांधी जी ने ये कहा। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलेविएट
the distress of large number of poor peasants. This was the typical Gandhi pattern. His politics were intrigued with the practical day-to-day problems of millions. His was not a loyalty to obstructions, it was a loyalty to living human beings. Champaran Andolan, जो चंपारण की जो क्रिया जो यहाँ पर अवज्ञा के रूप में शुरू हुई थी, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो गरीब काश्तकारों ने अपने दुख कम करने की कोशिश पैदा हुई. गांधी का जो तरीका था उनसे बात करने का, उनके प्रॉब्लम्स को दूर करने का, उनकी राजनीतिक, लाखों लोगों ने दैनिक जीवन की समस्याओं और व्यवहारिकता से जुड़ी हुई थी, उनकी वफादारी और अव्यवहारिकता से जुड़ी नहीं थी. ये वफादारी चिंता लोगों के लिए थी, क्योंकि गांधी जी चिंतित थे किसके लिए, द कंट्री पर्सन्स, जो हमारे देशवासी हैं उनके लिए गांधी जी काफ़ी चिंतित थे जब वो चंपारण का आंदोलन लड़ रहे थे. इन एवरीथिंग गांधी डिड, मोर एवर ही ट्राइड टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री. इसके अलावा जो भी कुछ गांधी जी ने किया उसकी कोशिश ऐसे आज़ाद भारतीय बनने की थी जो अपने पाँव पर खड़ा हो सके और भारत को आज़ाद करा सके. गांधी जी सभी देशवासियों में ऐसा कॉन्फिडेंस डालना चाहते थे जिससे कि हम अपने देश के लिए लड़ें, अपने देश के लिए कुछ करें और आगे बढ़कर अपने देश की स्वाधीनता पराधीनता के प्रति सचेत रहें और अवसर आने पर हम अपने देश के लिए कुछ करें. अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रियर एड्रियू द ब्रिटिश पैसिफिस्ट. पैसिफिस्ट का मतलब था स्टूडेंट्स यहाँ पे शांतिवादी या फिर शांति दूत भी कह सकते हो आप इसको. इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकेम ए डेवोटी फॉलोवर. डेवोटी फॉलोवर होता है जब किसी का कोई भक्त बन जाता हो तो उसको बोलते हैं डेवोटी. डेवोटी फॉलोवर ऑफ महात्मा केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू फिजी आइसलैंड. मीन्स जो चंपारण की लड़ाई शुरू में चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज जो अंग्रेज शांति दूत थे, गांधी जी का वो बाद में अनुयायी बन गया था, गांधी जी का भक्त बन गया था बाद में जो ये ब्रिटिश अधिकारी है, वो अपने कर्तव्य पालन के लिए फिजी द्वीप समूह पर जाने से पहले गांधी जी से विदा लेने के लिए वो आया था. गांधी जी लॉयर्स फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रयू टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प दैम. एंड्रयू वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, बट गांधी वॉज vehemently opposed. He said, "You think that in this unequal fight, it would be helpful if we have an Englishman on our side. This shows the weakness of our heart. The cause is just, and you must rely upon yourself to win the battle. You should not seek a probe in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman." तो गांधी जी ने उनको कहा, क्योंकि जो ब्रिटिश अधिकारी जो एंड्रयू थे ये काफ़ी अच्छे इंसान थे और गांधी जी के फॉलोअर भी बन चुके थे और गांधी जी की हेल्प करना भी चाहते थे, और जो कुछ हमारे भारत के जो गांधी जी को सलाह दे रहे थे जो वकील दोस्त थे गांधी जी के, उन्होंने कहा कि जो एंड्रयू है वो हमारी मदद करना चाहता है और हम इससे मदद लें. लेकिन गांधी जी ने इसका अपोज किया. गांधी जी ने कहा कि अगर हम इससे मदद लेते हैं तो जो हमारी लड़ाई आपस में अनइक्वलिटी की वो कैसे होगी, अगर इससे हम मदद लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हमारे अंदर हीन भावना आ जाएगी और हम अपने देश के लिए सच्चे हितैषी सिपाही नहीं बन पाएंगे, इसलिए हमें किसी भी अंग्रेज़ अधिकारी से हेल्प नहीं लेनी चाहिए. He had read our minds correctly. क्योंकि उसने हमारे दिमाग को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है. राजेंद्रा प्रसाद comments and we had no reply. Gandhi in this way taught us a lesson in self-reliance. और इस प्रकार राजेंद्र प्रसाद जी ने, हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं था क्योंकि जब गांधी जी बोल रहे थे तो उनके जो गांधी जी के फ्रेंड्स थे राजेंद्र प्रसाद जी और जितने भी वकील और जितने भी साथ में और उनके फ्रेंड्स थे, तो जब गांधी जी ने ये बात कही तो उन्हें अब एहसास हुआ कि जो गांधी जी हमें आत्मनिर्भरता का पाठ सिखा रहे हैं इस तरीके से एग्जांपल दे के कि हमें किसी की हेल्प नहीं लेनी चाहिए. सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टूगेदर. आत्मनिर्भरता, भारत की आज़ादी तथा बटाईदार काश्तकारों की मदद आपस में
हम सब बंदे थे, क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ था बटाईदार किसानों की स्वतंत्रता। और इसमें बहुत सारे लोगों ने गांधी जी का साथ दिया और इस तरीके से चंपारण की जो लड़ाई थी गांधी जी ने जीती। अपने फ्रेंड्स जितने वकील थे और जितने भी और राजकुमार शुक्ला बटाईदार जितने भी किसानों ने गांधी जी का साथ दिया और सब ने मिल के इस लड़ाई को लड़ा। गांधी जी ने इस आंदोलन को लीड किया और अंत में गांधी जी की विजय हुई। इस प्रकार अंग्रेज़ों से किसानों को निजात मिली और जो बटाईदार खेती थी नील की खेती उसका अंत हुआ। थैंक यू सो मच। गुड बाय।